Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइज आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन हमको पॉसिबली जीतते हुए दिख सकता है रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल के मैच में, जो कि WWE के क्राउन जूल 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो गाइज पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है। अगर आप रोमन रेंस, WWE और लोगन पॉल के बड़े वाले फैन हो और इनका मैच क्राउन जूल में देखना लो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस ये तो एक बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड मैच था रोमन रेंस के लिए क्राउन जूल के लिए। गाइस ओरिजिनली तो गाइस हम लोग बहुत ही बड़े बड़े नाम सोच रहे थे, जैसे कि क्या पता रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस फेस करे, केविन ओवेंस, एजे स्टाइल्स, बॉबी लैशली, हम लोग इतना बड़े बड़े नाम सोच रहे थे रोमन रेंस के लिए, और उनको अभी फेस करने वाले हैं लोगन पॉल, वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो क्या WWE के पास बड़े प्लान्स है लोगन पॉल को लेके? क्या वो लोगन पॉल को रोमन रेंस के सामने जिताएगी, और क्या वो लोगन पॉल को दे देगी रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? गाइस मुझे इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं कि WWE गाइस रोमन रेंस को लोगन पॉल के सामने हराएंगे। हाँ मैं ये चीज मानता हूँ कि लोगन पॉल एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, इन उनको भी देखना चाहिए कि अगर वो WWE में आ रहे हैं फाइन आप रेसल करो कोई भी बड़े स्टार को, लेकिन अभी आप सामने हो रोमन रेंस के, और ये वो स्टार है जिसको WWE 3 साल से हराए नहीं है, और WWE इस स्टार को हराने के पहले 100 बार सोचती है। तो गाइस आप सोच के रखो कि क्या WWE सच में रोमन रेंस को हरा देगी? गाइस पहले तो मैं इमेजिन करो कि लोगन पॉल ने हरा भी दिया गाइस तो फैंस है गाइस वो कितना टर्न हो सके WWE के ऊपर, वो बोलेंगे कि आपने जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, एज जैसे बड़े लेजेंड्स को रोमन के सामने इसलिए हराया कि वो लोगन पॉल के सामने जाके हारे है। इसलिए मुझे चांसेस बहुत ही कम लगते हैं कि लोगन पॉल रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कि हमारी WWE है गाइस, उनको गाइस क्राउन जूल के लिए एक बड़ा मैच चाहिए था, और जो लोगन पॉल है गाइस वो एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है, इसलिए गाइस WWE रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच कर दिया क्राउन जूल में फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और मुझे कोई भी हालत में नहीं लगता कि रोमन रेंस मैच में होंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारने वाले, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस ही गाइस हमको लोगन पॉल को हराते हुए दिखने वाले, और वो सक्सेसफुली उनकी जो WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है गाइस वो उसको रिटेन करते हुए टिकने वाले हैं WWE के क्राउन जूल 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट में। और गाइस अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।